भारत का पहला सूर्य मिशन आज होगा लॉन्च, कुछ घंटों में लॉन्च होगा आदित्य L1। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग होगी इसकी आदित्य L1 की, सुबह 11:50 पर होगी लॉन्चिंग। सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा आदित्य L1। लॉन्चिंग के लिए PSLV XL रॉकेट का किया जाएगा इस्तेमाल। पृथ्वी से 15,00,000 किलोमीटर की दूरी पर आदित्य L1 सूर्य की तरफ रहेंगे 4 पेलोड्स, 3 पेलोड्स लैंग्वेज पॉइंट पर काम करेंगे। 7 पेलोड लेकर जाएगा आदित्य L1, सूर्य की किरणों का करेगा अध्ययन। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में रखा जाएगा आदित्य L1, लॉन्चिंग के 125 दिन के बाद टारगेट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। 50 दिन में भारत की दूसरी बड़ी अंतरिक्ष छलांग, आदित्य L1 से सूरज की जानकारियां मिलेंगी। सोलर मिशन की कामयाबी के लिए मांगी जा रही है प्रार्थना, वाराणसी में किया गया हवन। मिशन सूर्य से पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ ने की पूजा अर्चना, कई साथियों के साथ तिरुपति के चिंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पहुंचे। आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले इसरो की टीम पहुंची मंदिर, तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। आदित्य L1 की बात, गगनयान मिशन पर होगी इसरो की नजर, अक्टूबर में होगा मिशन का ट्रायल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। ADG क्राइम प्रतापगढ़ के लिए रवाना, पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश होंगे आरोपी। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मैच, दोनों टीमों ने जमकर की है प्रैक्टिस, श्रीलंका के कैंटी में, पल्ली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा, फाइनल्स में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत मुमकिन है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म, पास हुए कई प्रस्ताव, 14 सदस्यों की कमेटी का गठन। विपक्षी गठबंधन की बैठक में सभी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बहुत जल्द हो जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। मुंबई में विपक्षी बैठक में कई मुद्दों पर हुआ मंथन, अभी गठबंधन के संयोजक पर नहीं हुआ फैसला। इंडिया गठबंधन का लोगो नहीं हो पाया अभी फाइनल, सूत्रों के अनुसार खबर है कि पब्लिक ओपिनियन का सहारा लिया जा सकता है इंडिया गठबंधन द्वारा इस लोगो को फाइनलाइज करने के लिए। दिल्ली में होगी इंडिया गठबंधन की अगली बैठक, तीसरी मीटिंग के बाद सीएम नीतीश बोले, जल्द होंगे आम चुनाव, हमें रहना होगा अलर्ट। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की पहली बैठक की तारीख तय, सूत्रों के मुताबिक 16-17 सितंबर को होगी मीटिंग। महात्मा गांधी की जयंती पर इंडिया गठबंधन कर सकता है बड़ी घोषणा, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली असम जैसे राज्यों में रखा गया रैली का प्रस्ताव। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को ईडी ने किया गिरफ्तार, 538 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप, आज पीएमएल कोर्ट में पेश करके कस्टडी की मांग करेगी प्रवर्तन निदेशालय। एक देश एक चुनाव पर सरकार ने बनाई कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने की कोविंद से मुलाकात। विशेष सत्र के लिए संसद सचिवालय ने शुरू की तैयारी, लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का होगा फोटोशूट, सूत्रों के बारे से खबर है। दो दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य सरकार के खिलाफ जारी करेंगे आरोप पत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे श्रीलंका का 2 दिवसीय दौरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इससे करेंगे बातचीत। यूपी के गाजियाबाद में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवती का शव, साकिब नाम के लड़के के साथ लिविन में थी युवती, परिजनों ने साकिब और उसके परिवार वालों पर लगाया हत्या का आरोप। राजस्थान के जयपुर में जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार केस में ईडी की रेड, छापेमारी में 2.5 करोड़ कैश समेत सोने की ईंट मिली है, पूर्व अधिकारी के घर से मिला है कैश भी। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, रायपुर में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज से शुरू होगा बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश अभियान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे यूपी के गाजियाबाद से शुभ आरंभ। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आंदोलन के दौरान हंगामा, पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों पर किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जुटे थे प्रदर्शनकारी। NCERT को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका ऐलान किया।
राजस्थान में सिख कल्याण बोर्ड का गठन, परमजीत रंधावा बने अध्यक्ष, हरपाल सिंह राणा बने उपाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दो बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार, पुलिस ने 10 को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में सर्किट हाउस में लगी आग, सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल सर्किट हाउस में थे मौजूद, आग पर पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 568 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बर्खास्त, जिला प्रशासन ने दो बार काम पर लौटने का जारी किया था नोटिस। एमपी के रतलाम में सटोरियों के अड्डे पर पुलिस की दबिश, 27 सटोरियों के साथ 3,37,000 रुपए जब्त। मध्य प्रदेश के विदिशा में बैंक की लापरवाही सामने आई, आईसीआईसीआई बैंक की जो सिरोंज शाखा है वहां पर 9,90,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान कार से 1 करोड़ रुपए बरामद, 4 युवक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में कृषि विभाग से सामने आया भ्रष्टाचार का केस, अपात्र किसानों को दिए गए सिंचाई के उपकरण, कलेक्टर के पास पहुंची शिकायत। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपहरण का आरोप लगाने वाले आरजेडी नेता पर लगा हत्या का आरोप, सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति ने लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आईआईटी दिल्ली के विंध्याचल हॉस्टल में छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पढ़ाई को लेकर टेंशन में था छात्र। यूपी के बहराइच में युवक ने पेट्रोल डालकर लगा दिया आग, शराब पीने से मना करने पर उठाया कदम, जांच में जुटी पुलिस की टीम। एमपी के छिंदवाड़ा में पिता और बेटे को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, बेटे की मौत, पिता की हालत नाजुक, इलाज जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में नाबालिग लड़की से दोस्त के भाई ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज, आरोपी फरार हुआ। बुरहानपुर में पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3,24,000 रुपए की 30 पेटी शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के नरसिंहपुर में थाने में जब्त गाड़ियों से निकला 4 करोड़ से ज्यादा का ड्रग, 2020 में जब्त की 2 गाड़ियों से मिला 86 किलो ड्रग्स। आईएएफ और भारतीय सेना ने हाल ही में सुदूर ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया हेलीकास्टिंग का प्रशिक्षण। एमपी के खरगोन में 72 साल के पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने दिखाया हुनर, पहलवानों के साथ चलाई लाठी, लोग हुए अचंभित। यूपी के पीलीभीत में गांव में निकला मगरमच्छ, ग्रामीणों ने मगरमच्छ को सरकारी हैंडपंप से बांधा। चिली में ट्रेन और बस की भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में हुई गोलीबारी, गोली लगने से बच्ची की मौत, 9 लोग घायल, रूस से यूक्रेन को ठहराया जिम्मेदार। दक्षिणी ब्राजील के केब्रुआ में एक मेटल फैक्ट्री में विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 12 घायल, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। पाकिस्तान के कराची में बिजली की बढ़ती कीमत को लेकर लोग परेशान, आक्रोश में बिजली बिल को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। यूक्रेन के बूचा में बच्चों ने मनाया नए स्कूल वर्ष का पहला दिन, बच्चों ने पहला दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। हांगकांग में नजर आया तूफान साओला का असर, साओला की वजह से तेज बरसात जारी, अधिकारियों ने चेतावनी जारी की। रूस और बेलारूस का सैन्य अभ्यास शुरू, दोनों देशों के सैनिकों ने लिया हिस्सा, 6 सितंबर तक चलेगा अभ्यास। इटली में मादा भालू की गोली लगने से मौत, मृत मादा भालू के आसपास घूमते नजर आए शव। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विरोध, सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, लोगों ने राष्ट्रपति के विरोध में लगाए नारे। ग्रीस में जंगल की आग के चलते भारी नुकसान, अभी तक 2,00,000 एकड़ जमीन बर्बाद। अमेरिका के ओहायो में गोलीबारी का वीडियो आया सामने, पुलिस ने कार में बैठी महिला पर चलाई गोलियां, 24 अगस्त को हुई थी घटना। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान की एडवांस बुकिंग शुरू, पहले दिन फिल्म के 2 लाख से ज्यादा टिकट्स बिके।